हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पर डिस्कस करेंगे। तो एक सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पुट ऑन किया है, 7x-15y इज इक्वल टू 4x+y, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, इसकी वैल्यू बताइए, एंड सेकंड दिस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। आपको हमने इससे पहले डिविडेंडो, कंपोनेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के बारे में हमने आपको बता रखा था। एक छोटा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं। इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। आई मीन टू से दिस इज द फार्मूला अप्लाइड बाय डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो। तो आइए यहाँ हम बात करते हैं कि ये पहला क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन। देखिए आंसर में आते हैं, सर जो ये 7x15y लिखा है इसको हम सिंप्लीफाई करके 4x, x को हमने वन साइड कर दिया और y को हमने वन साइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 3x और ये आ जाएगा 16y। और फिर हम लिख सकते हैं x अपॉन y इज इक्वल टू 16/3। ये आपको क्लियर हो गया होगा हमने कैसे निकाला स्टूडेंट्स। अब ये वैल्यू हम इसमें रखते, अब इसमें एक स्पेशल के देखिए, इसको हम कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डिविडेंडो कंपोनेंडो से लगाएं तो आप देखिए x के साथ क्या है 9 और y के साथ क्या है 5, तो इसके बोथ साइड 9/5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 9/5 बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 9x/5y इज इक्वल टू 16/9/3/5। अब 16/9 को आप जानते हैं इंटू करने पर और सिंपल सा 144/15 या अब हम इसमें लगा देंगे डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो इस रूल से हमें क्या प्राप्त हुआ, इस रूल से हमें यह प्राप्त हुआ कि हम ये लिख देंगे 9x/5y। तो अब डिविडेंडो कंपोनेंडो को तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रखा है, तो ये देखिए, और इसकी मदद से जो जब हमने इधर ये नियम लागू किया तो इधर भी नियम लागू करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। तो यहाँ हम लिखेंगे 144/15/144-15 और ये से सॉल्व कर लेंगे तो जो आएगा 144/15 गिव्स 159 एंड 144-15 gives 129। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में अगर अब क्या ये किसी से कटता है तो हमें देखना पड़ेगा, बिल्कुल कट रहा है ये 3 3 3 3 15 3 3। तो ये आपका आंसर आ गया 53/43। एक तो ये बहुत ही इजी मेथड है इसका। सेकंड पार्ट में हम चलें तो इसको हम देखें 3x² + 2y² / 3x² - 2y। अब यहां पर 3 और 2 ने तो बहुत बेटर काम किया, चलिए ठीक है, लेकिन इसको इनटू किसके साथ करोगे, स्क्वायर के साथ। तो ये जो हमने यहाँ x और y निकाला है हम इसी को आगे कैरी ओवर करेंगे, तो अब की बार हम इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आ जाएगा आपका x² / y² एंड 16 का बच्चों स्क्वायर क्या होता है 16 × 16 दैट गिव्स 256/9। अब आप इसमें वही नियम लगा लीजिए, देखिए क्या लिखा है 3 और 2, तो बोथ साइड हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3/2
बोथ साइड, तो 3/2 बोथ साइड जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² / 2y² और 256 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 लिखेंगे, इधर 2 लिख देंगे और ये आ जाएगा 256/9। 3 3 = 9, 1 = 2, 2 2 = 4, 2 8 = 16। और इसको जब आगे लिखें तो 128/3। बट नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या मिलेगा, 3x² + 2y² 3x² - 2y² तो ये आएगा 128 + 3 128 + 3 दैट इज 131 और 128 - दैट इज 125। ये इसका बच्चों आंसर बना और ये आपका आंसर बन गया। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम एक सेकंड क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, एक दूसरा क्वेश्चन। इफ पी इक्वल टू 4xy / x + y फाइंड द वैल्यू ऑफ p + 2x / p - 2x + p + 2y / p - 2y। हमें इसकी वैल्यू पता करनी है, एक ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है ये आपको बतानी। तो क्वेश्चन देखते ही कुछ दिमाग में याद आ जाता है कि कहीं ना कहीं कंपोनेंडो डिविडेंडो इसके अंदर अप्लाई होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो किस प्रकार से अप्लाई होगा इसको देखते हैं। देखिए p = 4x + y लिखा हुआ है, हम इसमें एक स्पेशल काम करते हैं। क्या ये 2x है, तो हम यहां से केवल 2x को इस साइड में लिखेंगे p के अपॉन में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, p अपॉन में हमने यहां लिख दिया 2x, तो इधर क्या बचेगा, इधर केवल 2 बचेगा और ये y अपॉन में x + y। 4x + y है तो हमने क्या किया, 2x को इस साइड लिख दिया p / 2x और एक 2 बचा यहां पर, 2 और y उसको नहीं। अब हम इसमें लगा देंगे डिविडेंड, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो हम यहां लिखेंगे by कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो क्या लिखेंगे p + 2x / p - 2x = भाई जैसा इधर रूल लगाया वही रूल इधर लगाएंगे, ये आया upon 2y - x - y। तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यह आ जाएगा 3y + x / y - x। ये आपका बना इस जगह पर, ये सिचुएशन हुई, ठीक है। इसकी तो वैल्यू निकाल, अब इसकी भी वैल्यू निकालेंगे, तो ये फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस देखिए, इसमें अब हमारे पास लिखा है 2y, तो अब की बार हम इसमें 2y को इस साइड ले जाएंगे, तो p / 2y = यहाँ जाएगा 2x / x + y। अब इसमें हम फिर लगा देंगे, अब हम बार बार नहीं लिख रहे हैं बच्चों, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आप समझ लीजिए, और यही चीज जो है ऊपर जाके ऐड होगी तो ये हो जाएगा x + y, और यही चीज माइनस जो हम ऐड करेंगे तो ये, और ये हो गया आपका 3x + y / x - y। दिस इज 3x + y / x - y। अब आपको ये दोनों मिल गए, नाउ वी ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2, एक और दो को ऐड करने पर, जब ऐड एक और दो को ऐड करेंगे तो देखिए यही लेफ्ट हैंड साइड तो मिलेगा आपको, लिख लेते हैं यहां पर, तो आएगा p + 2x / p - 2x + p + 2y / p - 2y = इन दोनों को हमने क्या कर दिया, एडअप किया। जब एडअप करोगे तो इसके राइट हैंड साइड भी ऐड होंगे, 3y + x /
वाई माइनस एक्स प्लस 3x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि नीचे y माइनस एक्स और ये x माइनस वाई, तो हम एक स्पेशल काम इसमें करेंगे, y इसमें से माइनस हम कॉमन ले लेंगे। इसमें से जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा, लिखेंगे 3x प्लस वाई अपॉन वाई माइनस। अब चूंकि एलसीएम सेम है तो ये हो जाएगा 3y प्लस एक्स माइनस 3x माइनस वाई अपॉन में y माइनस एक्स। अब देखिए बच्चों क्या यहाँ सॉल्व होके आएगा, 3y में y गया दैट इज 2y और 3 दैट इज माइनस का 2x अपॉन का y माइनस एक्स। हम इसको इधर लिख देते हैं समझने के लिए, 2 कॉमन ले लीजिए y माइनस एक्स अपॉन y माइनस एक्स, ये इसके साथ कैंसिल हो गया और आपका आंसर कितना निकला 2। तो आप समझ गए होंगे कि दिखने में तो ये क्वेश्चन काफी बड़ा था लेकिन दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।